नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे साइकोसिस बार्बी के बारे में। जैसे कि आप ये फोटो में देख रहे हैं, आपने ऐसा वाला फोटो पहले नहीं तो ऐसा वाला पेशेंट पहले देखा होगा। इसमें क्या होता है, छोटा छोटा आपका पस्चुल्स यानी पिप निकलने वाला फुंसी हो जाता है चेहरा में, जो बियर्ड के एरिया में होता है, और इसको कभी कभी बार्बर सीज भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर मेल में आपका ये एरिया में जहाँ पे मूछ निकलता है वहाँ पे होता है, और ये बहुत इरिटेटिंग यानी बहुत खुजली होता है। इसमें कभी कभी पेन होता है, पिप निकलता है, तो देखने में भी खराब लगता है और अनकम्फर्टेबल लगता है, प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ये ठीक होता है दोबारा हो जाता है, रिकरेंस होता है। ये होता क्यों है, ये एक स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो इसमें आपका पहले रेडनेस होता है, लाल होता है, वहाँ पे कुछ कुछ फुंसी निकलता है, फुंसी पिप जमने लगता है। फिर आप कभी कुछ दिन के टाइम अगर उसको शेविंग करते हैं या हाथ से रगड़ देते हैं, स्क्रैच कर देते हैं, वो जगह फट जाता है, वहाँ से वो पिप थोड़ा दूसरा जगह में लग जाता है साइड के एरिया में, वहाँ से रेड हो जाता है, फिर ये दोबारा वही सेम साइकिल शुरू हो जाता है। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास बिल्कुल जाइए, एक बार उनका सलाह लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्किन में और भी बहुत सारा है यहाँ पे प्रॉब्लम यानी इन्फेक्शन होता है जो देखने में एक जैसा ही लगता है। क्या क्या होता है ऐसे? फर्स्ट वन होता है आपका टीनिया बार्बी, यानी ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो आपका बियर्ड एरिया में फंगल इन्फेक्शन यानी दाद होने से एग्जैक्टली वैसे ही दिखता है। इसमें बहुत ज़्यादा खुजली होने लगता है, और इसका एक क्राइटेरिया है कि ये जो अपर लिप के एरिया में नोज के साइड में ज़्यादा नहीं होता है, जो कि ये साइकोसिस बार्बी ज़्यादा होता है, ये थोड़ा ऊपर के एरिया में होता है। और दूसरा होता है आपका हर्पेटिक साइकोसिस, यानी हर्पिस का बीमारी आपने सुना होगा, हर्पिस वायरस होता है। ये हर्पिस वायरस कभी कभी यहाँ पे इन्फेक्शन करता है और देखने में एक ही जैसा लगता है, लेकिन इसमें एक डायग्नोस्टिक फीचर है कि यहाँ पे वेसिकल मिलता है, यानी उसको छोटा छोटा पानी जमने वाला फुसका मिलता है। और क्या हो सकता है, एक्नी वल्गारिस यानी जो पिंपल्स होता है, कभी कभी यहाँ पे चेहरा में पिंपल होता है, तो हो सकता है कि पेशेंट सोचे कि ये भी पिंपल है, लेकिन ये पिंपल नहीं भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, ग्राम नेगेटिव फॉलिकुलाइटिस, ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये भी हो सकता है। तो वैसे बहुत सारा बीमारी है जो देखने में ऐसा साइकोसिस वार्बी जैसा लग सकता है, इसीलिए आपको एक बार आपका जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उनके पास जाके इसको दिखाना जरूरी है। इसके हिसाब से वो आपको एंटीबायोटिक देंगे, कुछ लगाने के लिए क्रीम देंगे, खाने के लिए एंटीबायोटिक देंगे, उसके बाद आपको ये इससे रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये माइंड में रखिए, ये बाद में भी कभी हो सकता है, क्योंकि ये एक रिकरेंट कंडीशन है। क्यों होता है, बार बार होता है, ये बोलना मुश्किल है, किसी को अभी तक पता नहीं है, इस पर रिसर्च चल रहा है। तो आशा करता हूँ इस टॉपिक से आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है, और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो जिसको ये प्रॉब्लम है इसको उसको ये वीडियो दिखाइए और उसके साथ इसको शेयर करिए। अगर आपको ऐसा वीडियोस अच्छा लगता है तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसे वीडियोस हमेशा मिलते रहेगा। थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, नमस्कार।